गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार इंस्पिरेशनल गुरुजी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था अपना मोशन का सीरीज़, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया हुआ था हमने, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ इक्वेशंस बताई थी मैंने, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एक था वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2AS। ठीक है, और आज हम करने वाले हैं बच्चे मोशन अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी आज हम करने वाले हैं। ठीक है, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन था। इसमें फर्क क्या है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ज़्यादा लंबा फर्क नहीं है, कोई ज़्यादा कोई फर्क नहीं है इसमें। इसमें फर्क बस इतना है, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है ना, जहाँ पे एक्सेलरेशन ए है ना, जहाँ पे एक्सेलरेशन ए है वहाँ पे जी आ जाएगा। ठीक है, जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, क्योंकि अंडर ग्रेविटी मोशन हो रहा है, इसमें अंडर ग्रेविटी मोशन होगा तो एक्सेलरेशन ए की जगह पे जी आएगा। ठीक है, और जी का जो वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जी के वैल्यू होता है। अगर एग्जामिनर ने किसी क्वेश्चन में जी का वैल्यू, मोस्टली तो 10 दे देते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देते हैं। अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है तो 10 यूज़ करना है, अदरवाइज रियल वैल्यू जी का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज़ करना है। ओके, ठीक। अब जहाँ जहाँ ए दिख रहा है आपको, वहाँ वहाँ जी यूज़ करके फॉर्मूला इधर ही लिखे दो एज इट इज। वी इक्वल्स टू क्या था, यू प्लस ए की जगह जी टी। ठीक, और ऐसे ही एस इक्वल्स टू क्या था, यू टी प्लस हाफ ए टी था ना, तो जी टी स्क्वेयर। ऐसे ही वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2AS था ना, तो जी एस लगा दो। बस क्लियर, कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो बच्चे, कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम है तो। मेरे ख्याल से तो कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात तो है नहीं इसमें। ठीक है बच्चों, तो इसमें यही फ़र्क है जो मैंने बताना था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप लोगों को, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फॉर्मूलाज एक बार नोट कर लीजिएगा, नोट करने की क्या, ए की जगह जी यूज़ करना है, बाकी एज इट इज़ है। जी का वैल्यू 9.8 लेना है हर कंडीशन में। ठीक, अगर एग्जामिनर जी का वैल्यू 10 लेने के लिए बोलता है तो 10 लेना है, अदरवाइज 9.8 ही लेना है। ठीक है, ओके बच्चे, चलो तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं हम। कौन से, मोशन अंडर ग्रेविटी की। क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी बॉल को, यदि किसी बॉल को, बॉल मान लो या गेंद, गेंद को
20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर फेंका जाता है, से ऊपर की ओर फेंका जाए, तो उसके उच्चतम बिंदु तक, पहुंचने में 1 क्वेश्चन है कितना समय लगेगा, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है, उच्चतम बिंदु तक की दूरी ज्ञात करें, ठीक है बच्चे, उच्चतम बिंदु तक की दूरी बतानी है हमें, दूरी क्या रहेगी। तो बच्चे लाइट चली गई है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन है, आप एक बार खुद से ट्राई करके देखो, कंसेप्ट वही होंगे, ट्राई करके देखिए एक बार, हो गए। चलो करके देखते हैं। देखिए, जैसे कोई बॉल है, मान लो ये बॉल था, ये बॉल ग्राउंड लेवल से ऊपर की ओर फेंका गया, कितने स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो ये मान लो यहाँ तक कहीं पहुँचता है, मैक्सिमम स्पीड ये है, ठीक है, और फिर नीचे गिर रहा है, ऐसे है ये बॉल, ठीक है। तो इसने बोला है कि उच्चतम बिंदु तक का ये वैल्यू निकालना है, ठीक है, और यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, टी निकालना है और एस निकालना है, ठीक है, कर दो, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है, u है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक और बात बच्चे, a इक्वल्स टू g था ना जो, और g 9.8 लेना था, ठीक है, या हम 10 लेकर चलते हैं, g मान लो 10 लेकर चलना है, ठीक है। तो जी का जो है ना डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा ना, तब पॉजिटिव लेना है, और ऊपर की तरफ होगा तो नेगेटिव लेना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है हमने, ओके। चलो जैसे अब देखो, आप यू का दे रखा है और वी उच्चतम पॉइंट पर, वी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि एक एक्सट्रीम पोजीशन, एक ऐसी पोजीशन आएगी जहां ऊपर के पॉइंट पे जाकर रुकेगा, एक बार मैक्सिमम हाइट पर जाके रुक के फिर नीचे आएगा, यानी कुछ मूवमेंट के लिए, कुछ टाइम के लिए यहाँ पर वी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पर। तो वही देखना है हमें, वी क्या होगा, जीरो, ठीक है, और जी हमारे पास कितना है, ऊपर की तरफ फेंका ना, डायरेक्शन ऊपर है तो नेगेटिव ले लेंगे, यानी कि -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ठीक है। अब देख लो क्या निकालना है, टाइम हमें निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू u प्लस at होता है, तो यहाँ पे हम gt लगा देंगे, तो g का वैल्यू कितना है, -10, v 0, u कितना है,
20 माइनस जी कितना है 10 इंटू टी निकालना है, तो ये इधर को आ जाएगा। तो 20 माइनस का इक्वल्स टू माइनस 10 टी, तो एक जीरो से एक जीरो हो जाएगा, टी इक्वल्स टू निकल कर आया हमारा 2 सेकेंड्स, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यानी कि 2 सेकेंड लगेंगे इसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, तो 2 सेकेंड लगेंगे इसको मैक्सिमम यानी उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में, ठीक है, मैक्सिमम हाइट ही कह लो, ठीक है। तो अब पूछना है कि उच्चतम बिंदु की दूरी क्या है, जहाँ तक यहाँ v जीरो हुआ उसकी दूरी क्या है। अब दूरी वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, s क्या था, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, यही है ना अंडर ग्रेविटी, ओके। तो s निकालना है हमने, तो यू टी क्या है, u क्या है 20, u हमारा कितना है 20 इंटू टाइम निकाल रहा है 2 प्लस, प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस हो जाएगा हाफ इंटू 10, क्योंकि 10 जो है माइनस का है, ऊपर की ओर थ्रो किया है ना, तो 5 ये हो जाएगा फिर हमारा 40 माइनस 5 यानी कि 35 मीटर। एक बार चेक कर लीजिए बच्चे, देख लो एक बार, मैं दोबारा से बता देता हूँ, लाइट आ गई अभी, ठीक है, सॉरी बच्चे मेरे पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ तो है नहीं, लाइट चली गई थी तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था कि यदि किसी गेंद को 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से है ना ऊपर की ओर फेंकते हैं, हम ऐसे फेंकते हैं, कैच करते हैं ना, फेंकते हैं, एक एक्सट्रीम पोजीशन आता है, एक लास्ट पोजीशन ऐसी आती है जहाँ पर बॉल रुक के ऊपर की बजाय फिर नीचे आता है, कुछ टाइम के लिए वहाँ रुकता है, और रुकता है ना वहाँ पे क्या होगा, v फाइनल स्पीड क्या हो जाती है, जीरो हो जाता है, ठीक है। और u हमें कितने मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका था ऊपर की तरफ, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ओके। तो g हमें पता है ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो नेगेटिव लेना है, नीचे की ओर होता हो तो पॉजिटिव लेना है। इन्होंने इंक्लूड की कौन सा किया, ऊपर का ही मोशन इंक्लूड किया ना इन्होंने, आने की तो नहीं बात की, आने की करता तो जी प्लस का ले लेते हम, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन हो जाता, तो जी माइनस 10 ले लिया। टाइम पूछा था इसने उच्चतम बिंदु तक जहां पर बॉल एक बार रुकी, गेंद रुकी, तो उधर के लिए वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, ए की जगह पे वी प्लस जी टी हो जाएगा, तो वी जीरो यू 20 दिया हुआ है, ठीक है। माइनस, माइनस क्यों लिया है, क्योंकि जी का वैल्यू 10 लिया है, बोला हुआ है क्वेश्चन में जी का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर यूज करना है, तो ऊपर की डायरेक्शन की वजह से माइनस 10 यूज किया है, ठीक है। और टाइम हमें निकालना है, इधर से आ जाएगा टी इक्वल्स टू 2 सेकंड। फिर इसने बोला था उच्चतम बिंदु के पास जब जाके वी जीरो होगा ना, तो उस हाइट पर जाने के बाद जैसे ऐसे फेंका था, एक इधर से बॉल नीचे मुड़ेगी, यहां वी जीरो हो रहा है, तो यहां से यहां तक का हाइट पूछा था उन्होंने, उच्चतम दूरी बिंदु तक की दूरी पूछी थी। तो दूरी का क्या फॉर्मूला है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, ए की जगह g यूज हो जाएगा, g माइनस 10 लेना है, तो इसलिए फॉर्मूला पुट करो और आंसर आ जाएगा, ओके, वैल्यूज पुट करके, क्लियर है बच्चे, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, यदि किसी बॉल को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गेंद को 50 मीटर पर सेकंड के वेग से 50 मीटर पर सेकंड के वेग से उछाला जाता है, तो उछाला जाता है तो बॉल कितने वेग से, बॉल यानी गेंद कितने वेग से, कितने वेग से
पृथ्वी पर टकराएगी, पृथ्वी पर टकराएगी। ठीक है बच्चे, चलो एक बार खुद से करके देखो, एक बार वीडियो को पॉज करके चेक आप एक बार करके देखो। हो गया, चलो आओ करते। इसने बोला है कि एक सेकेंड, यू का दिया हुआ है, यानी कि ये बॉल है, इसको ऐसे फेंका तो यू का वैल्यू दिया हुआ था, इसने यू का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर ये बॉल ऐसे गया और ये ऐसे करके नीचे आ गया, ये इस ग्राउंड पर। ठीक है, तो वेग से उछाला जाता है, तो बॉल कितने वेग के पृथ्वी पर टकराएगा, तो पृथ्वी पर थोड़ा सा पहले ही पता चलेगा ना, क्योंकि इधर इधर तो पूछ नहीं सकता ग्राउंड पे, क्योंकि यहाँ ग्राउंड पे तो वी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसे जस्ट पहले का पूछ रहा होगा, जाहिर सी बात है, तो कितने पर टकराएगा ये पूछा है इसने। तो फॉर्मूला क्या है, यू गिवन है हमारे पास और वी भी गिवन है, वी निकालना है सॉरी, और एस, एस कितना है, अच्छा लगा, क्वेश्चन का इनकम्प्लीट लग रहा है मुझे। बॉल कितने वेग से पृथ्वी पर टकराएगा, ठीक है, कंप्लीट है, कंप्लीट, सॉरी। देखो यहाँ से बॉल को फेंका है तो यहाँ तक पहुँच रहा है, तो इसका एस कितना होगा, जीरो होगा ना, क्योंकि एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, इनिशियल टू फाइनल पोजिशन, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ से इस पॉइंट से शुरू किया था, इसी पॉइंट पे आकर खत्म हो रहा है मोशन, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या इंक्लूड करना होगा हमें, जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यू का वैल्यू दिया हुआ है 50, तो जी का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे जी का वैल्यू प्लस का 10 लेना होगा, क्योंकि मोशन ये इंक्लूड होगा, ओके, नीचे आएगा ना लास्ट में, तो g का वैल्यू 10, क्वेश्चन में g का वैल्यू 10 लेना है। ठीक है, 10 हो गया g का वैल्यू, और पूछा क्या इसने, कितने वेग से, अब वेग पूछा है, तो v, v पूछा है हमसे, v पूछा है, तो v भी हो, s भी हो और a भी हो, यानी कि g भी हो, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2a, a की जगह जी एस, ओके, क्लियर। तो v क्या है हमारे पास, निकालना है, u है हमारे पास 50 का स्क्वेयर हो जाएगा, और थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 50 का स्क्वेयर बराबर है 2 × 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, तो ये सब क्या हो जाएगा, जीरो, तो v इक्वल्स टू ये इस तरफ आ जाएगा, तो जीरो प्लस 50 का स्क्वेयर, ये स्क्वेयर है ना, तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 50। u कितना था, इससे क्या प्रूव हो रहा है, u कितना था, u भी 50 था, और v कितना निकल के आ रहा है, v भी 50 निकल के आ रहा है, इससे क्या प्रूव हो रहा है, जितनी स्पीड से हमने बॉल को ऊपर की तरफ से फेंका, ऊपर की तरफ फेंका है ना, उतनी ही स्पीड से नीचे की तरफ आएगा,
इससे ये प्रूव हो रहा है, क्योंकि यू 50 था और वी वी 50 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जितनी स्पीड से हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं उतनी ही स्पीड से ग्रेविटी की वजह से हमारे पास उतनी ही स्पीड से बॉल आता है। ओके क्लियर, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो बच्चे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, व्यूज़ बढ़ाओ, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिले। अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट टाइम इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, यदि किसी गेंद को 10 मीटर लंबे, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे अब क्वेश्चंस का, ठीक है, 10 मीटर लंबे टावर सीधा हिंदी में लिख देते हैं, 10 मीटर लंबे टावर से 5 मीटर पर सेकंड ऊपर से 5 मीटर पर सेकंड किस गति से ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंका जाता है तो बॉल को जमीन पर आने में कितना समय लगेगा। चलो ट्राई करो खुद से एक बार, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। हो गया बच्चे, चलो आओ कराते हैं। देखो इसने क्या बोला है, किसी गेंद को है ना, एक लंबा टावर है, मान लो ये टावर है, ये एक टावर है, ठीक है, इस टावर से कोई बंदा खड़ा है, इधर से बॉल फेंका तो ऐसे आएगा, ठीक है, यहाँ से बॉल फेंका जब, तो ये टावर की कितनी थी हाइट, 10 मीटर, और कितने स्पीड से फेंका, 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो ज़मीन पर आने में टाइम कितना लगा, इधर आने में टाइम कितना लगा, ये पूछ रहा है। तो देखो यू कितना है, 5 है, और डिस्प्लेसमेंट देखो, इधर से हम फेंक रहे हैं टावर से, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फेंका तो इधर से है ना बच्चे, इधर से फेंका है ना, और इधर आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ ना, तो एस का वैल्यू कितना है, 10 मीटर, एस का वैल्यू कितना है 10 मीटर, और
यू हमें गिवन है, इतने मीटर पर सेकंड है। वी यहाँ पे आने के बाद कितना हो जाएगा, जीरो। तो क्या चाहते हैं, एस है, यू है, जी है हमारे पास। चलो वी, वी को छोड़ो आप, वी की तो ज़रूरत भी नहीं है वैसे भी। जी को, जी कितना है हमारे पास, जी है 10 meter per second square। जी इक्वल्स टू 10 यूज़ करना है, क्योंकि 10 इसलिए लेते हैं बच्चे कैलकुलेशन इजी हो जाए ताकि, ठीक है। जी को पॉजिटिव लेना होगा क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नीचे आ रहा है ना बॉल, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा, अब देखो आप, एस भी है, ये भी है, वो भी है, टाइम निकालना है। तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इससे फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो, 10 यू कितना है, 5 टी प्लस हाफ जी कितना है, 10 टी निकालना है। तो यहाँ से 5 हो जाएगा, तो 10 इक्वल्स टू 5t प्लस 5t स्क्वायर। तो 5 से सबको ये डिविजिबल है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे t हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा t स्क्वायर। यहाँ से t कॉमन निकाल लो, 2 इक्वल्स टू t कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस t हो जाएगा। तो यहाँ से अब देख लो आप, टी का वैल्यू निकल जाएगा, इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो नेक्स्ट। बच्चे वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल सके, ठीक है। और हर क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई ज़रूर किया करो, ठीक है ना, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस करवाने से मतलब है मुझे, ठीक है ना। अब कुछ इंग्लिश में क्वेश्चन मिले थे, वो मैं आप लोगों को वो भी करवाना चाहता हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन थे जो इंग्लिश में मिले मुझे, हिंदी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिले तो करवाता हूँ, ठीक है। थोड़ा मैनेज कर लेना, हिंदी में बोल दूंगा हिंदी मीडियम वालों को। स्टोन इज ड्रॉप्ड, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर ऑफ, फ्रॉम अ टावर ऑफ 20 meter। हाइट कितना है, 20 meter। हाइट 20 meter। फाइंड फर्स्ट पॉइंट है टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड। फर्स्ट, सेकंड पॉइंट है स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, हिटिंग द ग्राउंड। हिंदी मीडियम वाले और सुन लो, इसने कहा है कि एक स्टोन है, एक पत्थर को टावर, जिस टावर की हाइट है 20 meter की हाइट का एक टावर है, उसके ऊपर से किसी ने पत्थर फेंका है, किसी ने पत्थर फेंका ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ नहीं, सॉरी, ड्रॉप्ड किया है, ड्रॉप किया है, सिर्फ ऊपर की तरफ नहीं फेंका, सिंपली ऐसे ड्रॉप डाउन करा है, ठीक है, नीचे ड्रॉप किया है किसी ने पत्थर टावर की हाइट से, जिस टावर की हाइट है 20 meter। तो इसने बोला है कि पत्थर को नीचे तक आने में कितना समय लगेगा, टी पूछा है,
ठीक है। और दूसरा है कि स्पीड हीटिंग जस्ट बिफोर द ग्राउंड, बिफोर को टच करने से थोड़ा सा पहले वी का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो करो सॉल्व, पहले हम टाइम निकालते हैं, टी निकाल देते हैं, जिसमें गिवन क्या है, एस गिवन है हमारे पास, कितना एस, एस है हमारे पास 20। डिस्प्लेसमेंट तो सेम रहेगा ना, ये तो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, इधर से लेकर मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया इधर तक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल, डिस्प्लेसमेंट हो गया ना। तो एस 20 मीटर है, जी हमारे पास है नीचे की तरफ है मोशन, तो जी का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा 10, जी प्लस 10 इक्वल्स टू, तो जिसमें क्या फॉर्मूला लगेगा बताओ। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ ही रहे होंगे, जिसमें एस और जी दोनों इंक्लूडेड हो और टाइम भी निकल जाए। पहले तो हमें यू निकालना पड़ेगा ना, बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो यू क्या होगा, यू हमारे पास जीरो होगा ना, क्योंकि ड्रॉप किया है, ड्रॉप किया है उसने ऊपर की तरफ, ऐसे फेंका होता ना बच्चे, ऐसे ऐसे फेंका होता तो कुछ स्पीड से फेंका होता, उसने सिर्फ ड्रॉप डाउन कर दिया, ड्रॉप किया यानी कि इनिशियल स्पीड है ही नहीं, वो जीरो है, तो यानी कि यू का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो अब लगा दो फॉर्मूला, एक्सेलरेशन है, इनिशियल स्पीड है और ये है डिस्प्लेसमेंट है, तो एस इक्वल्स टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी होता ना, ए की जगह जी आ जाएगा, जी टी स्क्वेयर। तो एस हमें 20 गिवन है, यू कितना है जीरो, हाफ जी 10 टी स्क्वेयर, तो यहाँ से कट जाएगा ये 5 हो जाएगा, तो 20/5 इक्वल्स टू टी स्क्वेयर, यानी टी स्क्वेयर इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। टी का वैल्यू कितना आ गया, टी का 2 सेकेंड्स आंसर आ रहा है, ठीक है, टी का वैल्यू 2 सेकेंड आ गया। अब नेक्स्ट पूछा स्पीड कितना होगा टच करने से जस्ट बिफोर, यानी कि वी का वैल्यू पूछ रहा है हमसे। तो अब v का वैल्यू क्या आ जाएगा, v का वैल्यू क्या होगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है यानी जी टी, तो v इक्वल्स टू u कितना है जीरो है, g कितना है 10 है, t का वैल्यू 2 आ गया, तो v कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। जस्ट बिफोर हीटिंग द ग्राउंड क्यों बोला है बच्चे, अगर वो ग्राउंड पर हीट कर जाता, रुक जाती बॉल, तो इसका मतलब वी क्या हो जाता, वी भी जीरो हो जाता, तो फिर कोई वैल्यू ही नहीं रहता स्पीड पूछने का, इसलिए जस्ट बिफोर हीटिंग द ग्राउंड बोला उसने, ठीक है, क्लियर है बच्चे। एक बार आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्लियर है। नेक्स्ट बार बार कहना अच्छा नहीं लगता बच्चे, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज थोड़ा लंबा बन रहा है वीडियो। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स फ्रॉम अ upwards from a tower height of 20 meter, tower height कितना है 20 meter, at a speed of 5 meter per second, find, first point है, find maximum height reached by ball, maximum height
reached by ball. Second है time when it passes from its mean position. Time when it passes from its mean position. नेक्स्ट है, एक ही क्वेश्चन के तीन पार्ट बना दिए बच्चे, ठीक है. फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल. फाइंड, जिस बच्चे ने क्वेश्चन कर दिया ना तो समझ लो उसको कंसेप्ट क्लियर हो गया है. फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड. जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड. जिस बच्चे ने क्वेश्चन कर दिया समझो उसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं. एक बार ट्राई करो बच्चे, फिर मैं कराता हूँ. करो ट्राई, वीडियो को पॉज करके. हो गया, चलो करते हैं. इसने क्या बोला, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड. एक बॉल को प्रोजेक्ट किया है. हाइट कितना है, 20 मीटर हाइट का एक टावर है कोई, ठीक. ये टावर है 20 मीटर हाइट का, ठीक है. इससे क्या किया है, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया है. प्रोजेक्ट मतलब समझते हो ना, फेंका है, यानी कि एक तरह से फेंका है एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. यानी कि ऐसे फेंका है. यू कितना है उसका, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. स्पीड से फेंका इस बच्चे ने बॉल को. फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ रीच्ड बॉल. मान लो ये इधर देखो, इधर तक पहुंचता है, मैक्सिमम हाइट ये है जहां तक ये पहुंच रहा है, तो उसका मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है. मैक्सिमम हाइट का वैल्यू पूछना है, ठीक है. पहले मैक्सिमम हाइट ही निकालते हैं. देखो जी कितना होगा, देखो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो जी क्या होगा, -10. ऊपर की तरफ है ना डायरेक्शन, तो जी का वैल्यू कितना लेना है, -10. जी का वैल्यू इधर लिख देता हूँ, तो जी का वैल्यू कितना लेना है, -10. तो जी है -10 बिकॉज ऐसे प्रोजेक्ट किया है, ठीक, अपवर्ड्स, ठीक है बच्चे. इसलिए जी क्या होगा, -10 लेना है. जी का वैल्यू इन्होंने बोला था 10, ठीक है. तो जी का -10 लेना है. तो यू कितने स्पीड से किया था शुरू में, इनिशियल स्पीड कितना था, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना बच्चे. यूनिट्स का ध्यान रखना है बच्चे. तो पूछा क्या है इन्होंने, एस हमारे पास ठीक है, तो इसने क्या बोला है, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल. तो ये ऐसे ऐसे बॉल जाएगा और एक पर्टिकुलर हाइट तक जाएगा. तो हाइट एस निकालना है, यानी कि इधर से ये निकाल देंगे तो एस हमें चाहिए. तो वी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक वी जीरो हो जाएगा ना. एक मैंने बताया था ना आपको, बिल्कुल टॉप मोस्ट पोजीशन पर जाएगा, मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, तो बॉल एक कुछ पल के लिए रुकेगा. तो जहां पे बॉल रुकेगा तो वी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, ओके. तो वी है, यू है, जी है, तो इससे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ए यानी जी एस, ये लग जाएगा, ठीक है. तो वी कितना है, जीरो है. यू कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 2. जी कितना लेना है, -10 लेना है. बताया ना मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका है, तो एस हमें निकालना है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -25 = -20s. इससे कैंसिल आउट, एस
क्या आ जाएगा 25/20 यानी कि 5/4 एस 5/4 आ रहा है यानी कि 0.8 1.25 समथिंग आएगा, इतना आ रहा है एस का वैल्यू। देखिए ये जो है ना, ये वैल्यू आया ना 1.25, तो 1.25 इसने पूछा क्या मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट तो ग्राउंड से ही देखा जाएगा ना बच्चे, ग्राउंड से देखा जाएगा, तो इस 20 में ऐड हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट कितना होगा, मैक्सिमम हाइट हो जाएगा 20+1.25 यानी कि 21.25। ये तो हो गया मैक्सिमम हाइट। क्लियर है बच्चे, ये फर्स्ट पार्ट क्लियर है, देख लो एक बार, क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी किसी भी तरह की, तो कमेंट में बता देना, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड में क्या बोला है। सेकंड पार्ट में टाइम व्हेन इट पासिस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, देखो ये था टावर, कितना था 20 मीटर का, 20 मीटर का टावर था, इधर से बोल फेंकी थी, तो यहाँ तक आने में जो मीन पोजीशन क्या होगा इसका, यही होगा ना मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन तक का आने में टाइम पूछ रहा है, ये दो तरीके से निकल सकता है, जो आपको सही लगे उसी तरीके से निकाल लो। या तो क्या कर लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का निकाल लो और उसको डबल कर दो, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगेगा, यहाँ से आने तक का भी टाइम सेम लगेगा, तो या तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगा के डबल कर दो उसको, या फिर सीधा मान के कर दो उसको। यू कितना, कितने से प्रोजेक्ट किया है, यू कितना है, दो तरीके से है, मैं सिंपल एक ही फॉर्मूला से ही कर लेता हूँ, डबल करने की ज़रूरत नहीं है। यू कितना है, यू है 5 और जी कितना है -10 और मीन पोजीशन तक है ना, तो एस इक्वल्स टू, टाइम पूछा ना इन्होंने, हाँ टाइम, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वेयर, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वेयर। एस कितना निकला था, 1.25 निकला था, ठीक है, दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है ना, तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वेयर। इससे भी कर सकते हो आप, या फिर इससे भी कर सकते हो, v इक्वल्स टू यू प्लस 80 से, ठीक, इससे भी निकाल सकते हो आप, ठीक है ना बच्चे। मेरे ख्याल से तो इसको निकालोगे फिर डबल करोगे, इसी से ही कर लो बस, सीधा आ जाएगा आपका, ठीक है। तो s कितना है, 1.25 यानी 5/4 था ना, 5/4, थोड़ा कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए 5/4 लिख लेंगे। u कितना है, 5t प्लस हाफ जी, ये जी है, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो इंटू 10t स्क्वेयर, तो ये 5 हो गया, तो क्या हो गया 5t - 5t स्क्वेयर इक्वल्स टू कितना, 5/4, ठीक है। अब देख लो इसको कैलकुलेट करके देख लो, यानी कि 1/4 इक्वल्स टू t - t स्क्वेयर, ये हो जाएगा ना, यहाँ से टी भी कॉमन हो जाएगा। आप इसको इसके बाद कैलकुलेशन कर लेना जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है, क्लियर है बच्चे। डिफरेंशिएशन करके करना है या जैसे भी करना है वो आप देख लेना, ये डिफरेंशिएशन ही करना पड़ेगा ना मेरे ख्याल से, तो क्योंकि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, और इसके फैक्टर्स वगैरह के साथ करना पड़ेगा, ठीक है। और इजी वे रहेगा, v इक्वल्स टू यू प्लस 80 लगाओगे तो भी निकल जाएगा, यानी जी टी, तो v क्या है, 0 है, u कितना है, u कितना है 5 है, दोनों सही करके बता देता हूँ, g -10 हो जाएगा बच्चे, -10 टाइम निकालना है,
तो ये ज़्यादा इजी रहेगा, इससे कर लेना मेरे हिसाब से, तो इससे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो अब क्या करेंगे, इस 5 को इधर कर ले आओ, 5 इक्वल्स टू माइनस का हो जाएगा 5, और यही माइनस का 10 इंटू टी, तो ये 10 भी इधर आ जाएगा, माइनस 5 बाई 10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, टी इक्वल्स टू 1/2 आ गया। टी 1/2, ये बात ध्यान रखना, टी 1/2 सिर्फ यहाँ तक का आया है, इसको डबल करना है तभी यहाँ तक मेन पोजीशन तक आएगा, तो इसको डबल कर दोगे इंटू 2 इक्वल्स टू 1, यानी कि 1 सेकेंड लगेगा इसको मेन पोजीशन तक आने में, ठीक है, वो ज़्यादा इजी है। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो रहा है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे तब करोगे, इससे करवा के डबल कर देना, ठीक है, क्लियर है बच्चे, ठीक है। वी जीरो क्यों लिया, ये भी कंप्लीट पता है ना, वी जीरो इसलिए लिया ना, इसका ग्राउंड इधर तक ही मानेंगे ना, मेन पोजीशन तक का पूछा है तो यहाँ पे आके जीरो हो जाएगी एक तरह से, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे जीरो होगी, यहाँ पे एक मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद जीरो होगी ना, वी जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका निकाल के फिर डबल करना है, सॉरी, ठीक है ना, क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। मैंने कहा था आप लोगों को रिस्पांस नहीं दे रहे हो, आप कमेंट ज़रूर करिएगा, अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है या अच्छा लगता है नहीं लगता है जो भी है, कमेंट करके ज़रूर बताओ, मुझे पता चलता रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ शिट, एक और था, स्पीड था, तीसरा पार्ट रह गया उसका, सॉरी बच्चे, मैं दोबारा लिख देता हूँ उसको। इसने पूछा था फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल, स्पीड पूछा था जस्ट हिटिंग बिफोर जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, हिटिंग द ग्राउंड, थर्ड पार्ट ये था, यानी कि इसने क्या पूछा था, वी पूछा था हमसे, तो वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। यू कितना था, 5 था, प्लस नीचे आने वाला मोशन लेना पड़ेगा अब, क्योंकि नीचे का पूछा है ना, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, यानी कि जी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, तो ये जी, तो 10 इंटू टाइम कितना निकाला था हमने, टाइम कितना निकल रहा है उधर से, टाइम ये गिवन नहीं है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा बच्चे, क्योंकि टाइम नहीं है ना गिवन, टाइम टोटल थोड़ी है हमारे पास, तो इसको लगाओ वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as, क्योंकि s तो हमारे पास है ना 10, हाइट कितना दिया हुआ था, 10 दिया हुआ था, 20 दिया हुआ था, 20 है ना हाइट, तो हमारे पास 20 है ना, तो s हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है 20, और ये g भी है 10, पॉजिटिव लेना g का वैल्यू, क्योंकि नीचे की तरफ है मोशन, तो हाँ इससे क्लियर हो रहा है, वी स्क्वेयर इक्वल्स टू ये क्या है, 2 इंटू 10 इंटू 20 प्लस u क्या है, u कितना था 5, यानी कि 25, वी स्क्वेयर आ जाएगा 400, 20 दुनी 40, 400 प्लस 25, यानी कि 425, तो v आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 425, ये जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, क्लियर है बच्चे, ये थर्ड पार्ट है, ठीक है ना, देख लेना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, अ बॉल इज थ्रोन, आज तो बॉल के ही क्वेश्चन है, ग्रेविटी में बॉल के ही ज्यादातर आते हैं, अ बॉल इज थ्रॉन, आज तो इंग्लिश वाले खुश हो रहे होंगे, इंग्लिश वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, अपवर्ड्स एट ए, कभी कभी इंग्लिश के भी आने चाहिए ना, अपवर्ड्स
एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर्स पर सेकेंड, स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल वन सेकेंड। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से समझना ये। बिफोर रीचिंग मैक्सिमम हाइट। अच्छा क्वेश्चन है ये, चलो खुद से ट्राई करो एक बार, फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को। करो खुद से एक बार ट्राई। हो गया, चलो देखो। अ बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड। 28 मीटर पर सेकेंड से एक बॉल को फेंका, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल वन सेकेंड बिफोर रीचिंग द ग्राउंड मैक्सिमम हाइट। इसने बोला है कि ए ग्राउंड लेवल से किसी बॉल को फेंका है यू यानी कि 28 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, ऐसे फेंका है। और इसने बोला कि फाइंड द स्पीड ऑफ वन सेकंड बिफोर रीचिंग द मैक्सिमम हाइट, यानी कि जब ये फेंका तो मैक्सिमम हाइट इसका ये था। इसने बोला मैक्सिमम हाइट से एक सेकंड पहले यहीं कहीं रहा होगा, एक सेकंड पहले का स्पीड क्या रहा होगा, एक सेकंड पहले का स्पीड क्या रहा होगा। अगर मैक्सिमम हाइट तक पूछता है तो वी इक्वल्स टू जीरो होगा, ठीक है ना। एक सेकंड पहले क्या रहा होगा तो हम क्या करेंगे कि यहाँ टाइम कितना लगा वो निकाल लेंगे। देखो कैसे, टी की वैल्यू निकाल के फिर देखते हैं कैसे होगा। तो मान लो इधर तक मान के चलते हैं, वी इक्वल्स टू जीरो है, मैक्सिमम हाइट तक मान के चलते हैं फिलहाल तो, और यू इक्वल्स टू कितना है 28 मीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूला क्या होगा, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ए यानी जी टी, ठीक है। जी का वैल्यू कितना लेना है, -10 लेना है, क्योंकि डायरेक्शन अपवर्ड में है मोशन, ठीक है। अब देखो v कितना है 0, u कितना है 28 माइनस 10 इंटू टी निकालना है, तो इधर को आ गया 28 माइनस का इक्वल्स टू माइनस का 10t, इससे कैंसिल आउट, तो 28 बाई 10 इक्वल्स टू टी आ गया, यानी कि 2.8 आ गया, 2.8 सेकेंड लगा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, 2.8 सेकेंड लगा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में। पूछा कि क्या इसने, जस्ट बिफोर वन सेकेंड, तो मैक्सिमम हाइट पर कितना लग रहा था 2.8, एक सेकेंड पहले पूछ रहा है, यानी कि एक सेकेंड पहले तक कितना टाइम लगा होगा इधर से यहां तक पहुंचने में, तो 2.8 माइनस वन सेकेंड यानी कि 1.8 सेकेंड, यानी कि इसने बोला है कि जब यहां से फेंका ना तो 1.8 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी, ये पूछ लिया बस। तो अब हम इसको यूज करके निकाल देंगे, तो अभी भी क्या लगेगा फॉर्मूला, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी यानी जी टी, तो v इस टाइम अब क्या है निकालना है, तो u क्या है, अब u अभी है 28
और माइनस 10 इंटू टाइम कितना है 1.8। समझ आ रहा है ना, क्लियर है ना बच्चे? बस फिर कर दो, क्लियर है तो 28 माइनस 18 तो यानी कि 10, यानी v इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड रही होगी। क्लियर है बच्चे? क्लियर है, समझ आ गया कैसे किया है? इसने बोला था कि फाइंड द स्पीड ऑफ, एक बॉल को फेंका गया था, हिंदी वाले सुन लो, एक बॉल को फेंका गया था कितनी स्पीड से, 28 मीटर पर सेकंड, यानी 28 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका गया था। तो उसने बोला था कि फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल, बॉल की गति क्या होगी एक सेकंड पहले जब तक वो हिट द मैक्सिमम हाइट, जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचती है ना, उससे एक सेकंड पहले की स्पीड पूछ ली उसने। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, मैक्सिमम हाइट तक की स्पीड को निकाल, पता है हमें मैक्सिमम हाइट तक की स्पीड कितना होता है, v इक्वल्स टू जीरो होता है, क्योंकि एक कुछ मोमेंट के लिए उधर v रुकता है, बॉल रुकता है ना, तो v जीरो मानकर तो हम मैक्सिमम हाइट तक का क्या निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे। तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसको टाइम लग गया 2.8 सेकंड लग गया। तो मैक्सिमम हाइट उसने पूछा किसका है, 1 सेकंड पहले का, तो उसमें से 2.8 सेकंड में से 1.1 सेकंड माइनस कर देंगे तो 1.8 सेकंड आ गया, यानी कि उधर से फेंकने में 1.8 सेकंड तक की स्पीड पूछ रहा है। कि इसने, इसका पूछने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी बॉल को 28 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंकेंगे ना, तो 1.8 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी, इसका इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है, 1.8 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी। तो अब निकाल दो फॉर्मूला, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, यू हमारे पास 28 है, तो a यानी g माइनस 10, तो 1.8 सेकंड ये हमने निकाल ही लिया। तो फॉर्मूला से करने के बाद v क्या आ जाएगा हमारा, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चे, ये था हमारा चैप्टर, आप उतार लो, ये था हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी। आज लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है तो इसलिए मैंने सोचा एक ही वीडियो में निपटा देते हैं इसको। ठीक है, तो कल से हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, मोशन का अगला पार्ट होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। कल से हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन, जितना हो सके थोड़ा सा अपनी तरफ से एक बार थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, वरना मुझे तो करवाना ही है। ठीक है बच्चे, आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है बच्चे, बस मेरी फी यही है कि एक बच्चे को 10 सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। ठीक है, फेमस कर दो, अगर मेरे कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नाम पे मत जाइए, कंटेंट पे जाइए, कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, HSSC क्वालिफाई करवाऊंगा। साइंस में एक भी नंबर कट गया ना, मुझे बोल देना, न्यूमेरिकल अगर आ भी गया तो। ठीक है, न्यूमेरिकल कंप्लीट होने के बाद थ्योरेटिकल भी करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि किसी भी चैनल पे नहीं चल रहा न्यूमेरिकल्स का पार्ट, इसलिए मैं न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ बच्चे। आज के लिए बस इतना ही, ओके, धन्यवाद, टेक केयर।